गरिमा को दमन करते हुए जो प्रस्तुत विषय है उसके पूर्ण वहां से सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि हम जब इस विषय की विवेचना करते हैं यानी कि हम अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री कौन होता है तो अर्थशास्त्र के नियमों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत विषय की विवेचना करेंगे एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा कि जब उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां आती हैं 1991 में जब नीति आती है तो उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में जो उन्नत विकास को ध्यान में रखते हुए एवं परस्पर एवं द्रुत गति से जो प्रगति हुई है एवं गरीबी दर की जो गिरावट हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इस विषय की विवेचना करनी होगी। महोदय तो हमारा प्रतिपक्ष आता है उसके तमाम तर्कों का सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष खंडन रखना चाहूंगा। वो कहते हैं कि हमें आर्थिक समानता लेकर आनी है। आर्थिक समानता क्या होती है महोदय? आर्थिक समानता में यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम सुनिश्चित करना अपने आप में यूरोपियन और आदर्शवादी कल्पना जो वास्तव में हो नहीं सकती। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी महोदय आप निजीकरण मिला के देते हो, जब आप हर व्यक्ति को अधिकार देते हो क्या पार के आप बाजार में अपना धन लगा सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा को लगा सकते हैं और अपने कौशल के आधार पर आप अपने आप को कायम कर सकते हैं। और इससे महोदय क्या होगा कि समाज में ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो एक एंटरप्रेन्योरियल क्लास होगा जो केवल अपनी शक्ति के आधार पर अपने आप को स्वावलंबी बनाएगा और समाज को आगे लेकर जाएगा। उसके बाद महोदय के बाकी तर्कों का खंडन करते हुए वो कहते हैं कि हमारे लिए मूल्य आवश्यक है। लेकिन कौन से मूल्य है? जब आप PSU किया या स्टेट सेक्टर की ओर लेके जाते हो तब आप पैट्रोनेज इकोनॉमी को बनाते हो। पैट्रोनेज इकोनॉमी ये होती है महोदय जहाँ पर रेवड़ी संस्कृति चलती है, जहाँ पर राजनेता PSU से इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपको थोड़े बहुत ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स लेके आपको खुश कर सके और आपके वोट खींच सके। जबकि निजीकरण में ऐसा होता है कि महोदय आपको ये शक्ति दी जा रही है कि आप अपने आप सामर्थ्य को लेकर आए और मार्केट में उसे लगा। महोदय ये इक्वल बात करते हैं कि हमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट देनी है, लेकिन इक्वल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा कि हम उनको ये अवसर दें कि आप स्वयं आइए और स्वयं दूसरों को रोजगार दें और इतने सशक्त बनिए कि आप दूसरों को रोजगार दे सके। उसके बाद महोदय कहते हैं कि कुछ एलिट इंडस्ट्रियलिस्ट का गुट बन जाता है, ये निजीकरण में नहीं होता। महोदय भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जब महोदय यहाँ पे सोशलिस्ट समय चल रहा था लाइसेंस परमिट कोटा राज की बात की जाती थी जिसमें ऐसे लोग थे जब सरकार केवल उन चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट को सारे कॉन्ट्रैक्ट देती थी जिनको वो अपना सारा काम चलाना चाहती है। और निजीकरण में आके हम देखते हैं महोदय प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जब सबको ये अधिकार मिलता है कि आप मार्केट में आ सके। उसके बाद महोदय कहते हैं कि हमें गरीबी खत्म करनी है। महोदय सोशलिस्ट समय का गरीबी हटाओ का नारा था जब गरीबी सबसे ज्यादा पड़ी थी और जब से LPG आया उससे लेकर आज तक में गरीबी दरें सबसे ज्यादा गिरी है। इसके बाद महोदय हमें राजनीतिक पक्ष में देखना होगा कि रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिज्म जब खत्म होता है तब जाके प्रगति आगे बढ़ती है। राजनेताओं का व्यक्तिगत दावे में चुनाव जीतने हैं तो PSU का इस्तेमाल करना कर्ज माफी क्या भी अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर धकेलता है। उसके बाद महोदय जब हम नैतिक पक्ष की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रेडरिक हायात जैसे अर्थशास्त्री ने बताया था कि जो PSU है ये कहीं ना कहीं टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की ओर लेके जाता है क्योंकि राज्य आपके हर एक आयाम के ऊपर आपका नियंत्रण करता है जबकि जो निजीकरण है वो आपको अधिकार देता है कि आप अपने अधिकारों को बचा के रख सके सरकार से अलग करके रख सके। उसके बाद महोदय हम देखते हैं जो PSU है वो कहीं ना कहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म को जन्म देते हैं जबकि निजीकरण में हर व्यक्ति को अधिकार मिलता है कि आप आगे आके अपने अधिकारों को बना सके। राज्य संचालित व्यवस्था में महोदय हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसी बातें कही जाती है और निजीकरण में आके हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र अपने आप में वापस रोजगार होता है और अर्थशास्त्र के अधिकारों और नियमों के हिसाब से काम बढ़ेगी। धन्यवाद।